अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं अमोल बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए अमोल जी। हाँ, मेरा मानना है कि जो अदालत की कार्यवाही है वो अपनी मातृभाषा में, मगर प्रादेशिक भाषा है, समझो महाराष्ट्र में है तो मराठी में होनी चाहिए, और अगर मराठी नहीं तो हिंदी में होनी चाहिए, ऐसे दो पर्याय होने चाहिए। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मातृभाषा हिंदी में शपथ नहीं लेता, या जब भी कोई बयान देता है अंग्रेजी में देता है, उस सरकार से हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये अपना ये जो कार्यवाही हो हिंदी में करे? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने बात कही, और अपनी मातृभाषा शायद पंजाबी उसको भी नहीं बोल पाते, या ऐसा बोलने का कभी कोई उनके संबोधन से नहीं लगा है। ये बात केवल आपके प्रधानमंत्री की नहीं है, ये तो 9 साल से राज कर रहे हैं, इसके पहले भी इस देश में कई प्रधानमंत्री आए, करीब करीब हर दल का या हर विचारधारा का शासन आया, लेकिन किसी ने भी अपने स्थानीय भाषा में न्याय व्यवस्था बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं की। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं अहम कारणों पर। हिंदी का प्रचार प्रसार कागजों तक ही सिमटता, सरकारी तौर पर हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के खूब वादे किए जाते हैं, लेकिन इनका प्रचार प्रसार कागजों तक ही सिमट कर रह जाता है। राजधानी दिल्ली की जिला अदालतों में हिंदी भाषा कार्यवाही आज भी इंतजार कर रही है। न्यायिक प्रक्रियाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं, राजधानी की जिला अदालतों में हिंदी के प्रयोग को 2009 में हिंदी क्रियान्वयन समिति बनी। अदालती कार्य को हिंदी भाषा में करने के लिए हिंदी नोडल अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, लेकिन आज तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अदालती कर्मचारियों का हिंदी से दूरी बनाना, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 2009 में नई व्यवस्था के तहत कोर्ट की वेबसाइट को हिंदी में करना, सभी सर्कुलर हिंदी में जारी करना, कर्मचारियों के लिए अदालती कार्य पत्र व्यवहार एवं आवेदन हिंदी में करना अनिवार्य किया गया था, मगर वेबसाइट और सर्कुलर को छोड़कर कुछ भी हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी कर्मचारी पत्र व्यवहार और अदालती कार्य अंग्रेजी में ही कर रहे हैं। आम आदमी का अपने मुकदमे की भाषा को ही ना समझ पाना, अदालत की कार्यवाही चल रही है, पक्ष और विपक्ष के वकील आपस में जिरह कर रहे हैं, लेकिन ना उनकी गिटर पिटर पक्ष को समझ में आ रही है और ना ही विपक्ष को। जज ने क्या निर्णय दिया उस वक्त ना तो मुजरिम को समझ आया और ना ही पीड़ित को। मुजरिम और पीड़ित का अदालतों से ही विश्वास उठना, जज निर्णय सुना देता है लेकिन मुजरिम को ये तक पता नहीं चल पाता कि उसे कौन से नियम के तहत सजा मिली है, पीड़ित ये नहीं जान पाता कि मुजरिम को कैसे कम सजा मिल गई। दैनिक जीवन में भारतीय भाषाओं का बोलबाला, चाहे वो उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, असमीज हो या कश्मीरी, सभी दैनिक जीवन में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता देते हैं, तो फिर अदालती कार्यवाही अंग्रेजी में क्यों? न्यायिक कर्मचारियों को अंग्रेजी ज्ञान के सहारे खुद को बड़ा दिखाना, चाहे वो वकील हो या दूसरे न्यायिक कर्मचारी, उनके अंदर एक भावना घर कर गई है कि अगर वो अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो इससे उन्हें लोग ज्यादा सफल मानेंगे, यही भावना हिंदी को खत्म करने की प्रमुख वजह है। ये कारण है, और इन कारणों के साथ कॉलर पे भी उनकी बात भी सुनते और उस पर भी नजर डालते हैं। हाँ बोलिए। जय हिंद। सर, मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में कोई भी अदालत हो, हाँ, उसका सारा काम हिंदी में होना चाहिए, और हम अगर दूसरी भाषा किसी का भी ये अंग्रेजी का बोल रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, और ये भी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जिस स्टेट में जो लैंग्वेज चलती है उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन हिंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान है और हम हिंदी का साथ देते हैं और हिंदी ही होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद भाई जी, सुरेंद्र यादव बोल रहा हूं फरीदाबाद से। बोलिए। बहुत ही आभार है आपका, आपने जो ये विषय बहुत ही गंभीर विषय उठाया है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। एक जो धारा 300 संविधान के 48 अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, जिसमें धारा एक खंड का के तहत जो प्रावधान दिया गया है, वो गंभीर विषय है कि वो हमारे संविधान में आया कहाँ से, जिसमें की सारी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी। वो हमारा जो माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, उससे लिया गया है 1935 से, और वो हमारे संविधान में डाला गया है। अब हमारे जो वर्तमान
प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और जो हम बड़ी लोकतंत्र के नारे लगाते हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या यूनियन जैक को हटा देना और तिरंगे को लगा देना क्या यही आजादी है? बिल्कुल, आज तक हमारे देश को हमारे मातृभाषा में न्याय नहीं मिल पा रहा है और ये कहा जाता है कि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता है। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंग्लिश कहाँ से आ गई है? हिंदी का प्रयोग करो। कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंगोरिया से। धन्यवाद। छोटे बच्चे भी जिस बात को समझते हैं, देश के कर्ता धर्ता उसको क्यों नहीं समझते, यही सवाल आज का बिंदास का है। और हम चाहते हैं कि आप केवल भाषा की मांग करने के बजाय तर्कों के साथ विषय को आगे बढ़ाएं, यही मुद्दा जारी है। आते एक छोटे से ब्रेक के बाद बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि न्याय व्यवस्था में स्थानीय भाषा क्यों नहीं, हमारी भाषा क्यों नहीं। इस विषय पर लगातार कई कॉलर हमसे बात करना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं, अपने आपके पास अपने मुद्दों को भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप कॉल करके, स्काइप पर वीडियो कॉल करके, फेसबुक के द्वारा और sudarshantv.com पर साइट पर चैनल देखते देखते भी इस विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जय हिंद। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये जो अदालती कार्रवाई है ये जब से अंग्रेजी में हुई है हमें पता नहीं चलता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है। हाँ। अगर अंग्रेजी में हो तो हमें सब कुछ पता, हिंदी में हो तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, उससे हमारे को ये भी पता चलेगा कि कोर्ट कचहरी में क्या चलता रहता है जिसे हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल, धन्यवाद। जिसने क्राइम किया है या जिसके ऊपर, जिसने गुनाह किया है या जिसके ऊपर आरोप है या जिसके ऊपर आरोप रखा गया है, दोनों लोगों को यह पता नहीं है कि जज और वकील बोल क्या रहे हैं। वो अपनी जो खुद अपनी पक्ष रखना चाहते हैं उसको वकील को समझाना पड़ता है, वकील जज को समझाता है। क्या वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इस विषय पर सबसे ज्यादा जानकारी है, जो इसका पीड़ित है, जो इस विषय पर सबसे ज्यादा सफाई और प्रकाश डाल सकता है, वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में अपनी बयान नहीं दे सकता। क्या ये सही है? अगर ये गलत है तो इसको रोकना होगा, बदलना होगा, इस बदलाव के लिए आगे आना होगा। और इसके आगे आने की सबसे पहली स्टेज है बिंदास बोल में कॉल करके अपनी बात को रखना। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हम बम्बई से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, और हमें तो ये कहना है कि ये अंग्रेजी तो बात कर रहे हैं ना, वो खुद को बड़ा दिखाने, सामने वाला अगर अंग्रेजी की जरूरत होगी वहां अंग्रेजी यूज करे तो ठीक है, सामने वाला हिंदी बात समझता है, हिंदी लैंग्वेज में है, फिर भी खुद को बड़ा दिखाने के लिए अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, और आज कहीं 35 साल पहले एक गाना आया था। हाँ, 35 साल पहले राजेश खन्ना का सच्चा झूठा फिल्म का गाना आया था, वो आनंद भक्ति साहब ने लिखा था। हाँ, क्या लिखा था उसके लफ्ज बहुत है, इसी पर ही उन्होंने लफ्ज लिखे हैं। क्या लिखा है? तन से तो आजाद हम हो गए हैं। तन से तो आजाद, ये देश जब आजाद हुआ तो तन से तो आजाद हम हो गए हैं, पर मन से गई ना अब तक गुलामी। अंग्रेजी भाषा और भेष को देते हैं अब तक सलामी, दिखे औरों के ढंग और छूटा ये अपना ये रंग, और अपने पन का चलन हमसे छूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अरे मेरे भाइयों, हिंदी में बात करो, सामने वाला हिंदी समझता है तो हिंदी में आप बात करिए, खुद को बड़ा दिखाने के लिए क्यों अंग्रेजी में बात कर रहे हो, ये हिंदुस्तान है। धन्यवाद। न्याय प्रक्रिया की, वो न्याय प्रक्रिया में जो लोग हैं उनका क्या स्टेटस मेंटेन करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है दिखाने के लिए, या बाकी लोगों को तुम बुद्धू हो ये बताने के लिए, उसको हीन भावना उसके मन में लाने के लिए या व्यवस्था है, इसका जवाब देना पड़ेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। नमस्कार, मैं जिम्मेलान बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सर, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी निकाल देना चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी अमेरिकी का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।
मैं कॉलर को कहता हूं कि आप केवल क्या चाहिए ये मत कहिए, क्यों चाहिए, क्या उसके तर्क है, इसके साथ आपको क्या क्या मुद्दे रखने हैं ये भी रखना जरूरी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से सर। हाँ, हमारे देश का कानून अंधा तो है, सबूतों के आधार पे है सर, लेकिन जब कोई आरोपी है या कोई फरियादी है, जब उनका केस कोर्ट में चलता है, उस वक्त जैसे कि गूंगे बन के खड़े रह जाते हैं वो लोग। अंग्रेजी में क्या वकील बोल रहा है, क्या मजिस्ट्रेट सुन रहा है, वो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसको ही रखे, अंग्रेजों की चाल चलना हमारे देश में ना लाए, यही मेरा मैं कहना चाहता हूँ। और हमारी मातृ जो भाषा है हिंदी, उसको ही हम आगे बढ़ाए, बस सर यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम आपको MMS दिखाते हैं कि क्या हमारे पास प्रतिक्रिया आई है। जो हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसमें कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक तो हम अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दे पाएं, या जो हमारी दूसरी प्रादेशिक भाषाएं हैं, जैसे जो रीजनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, इंग्लिश की बजाय इंग्लिश का यूज़ ना करके या तो हमें हिंदी या फिर हमारी जो प्रादेशिक या रीजनल लैंग्वेजेज हैं, भाषाएँ हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, इससे काफ़ी फायदे हो। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन उसको राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, जबकि किसी भी कोर्ट की कार्यवाही में, किसी भी हायर एजुकेशन अगर किसी को करनी है तो हिंदी में उसको कोई मौका ही नहीं है करने के लिए, जबकि हम बोलते हैं कि हमारा भारत देश है। इतनी स्थिति हिंदी के साथ अपनाई जा रही है, एक हिंदू बहुल देश में, हमारे पूरे हिंदू भाइयों का इकलौता ही देश है जिसमें हिंदी को कुछ सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास नहीं के बराबर हुए, जो हुए भी वो विफल रहे, जिसकी वजह से आज ये है कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का कोई भी उपयोग, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, कोर्ट की भाषा हो, सरकारी भाषा हो, कहीं भी उसको नहीं दर्जा मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो भाषाएँ मान्यता प्राप्त हैं वो हैं चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। विश्व की आबादी का छठा हिस्सा है, 100 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है, फिर भी हमारे देश की भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में शामिल नहीं है। सब अधिकांश देश अपनी राष्ट्रभाषा को लेकर राजकीय और शासकीय व्यवहार करते हैं, पर हम पिछले कितने ही 60 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम सारा हमारा शासन व्यवस्था हर चीज़ हमारी अंग्रेजी में ही हो रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के लिए भारत सरकार क्यों आग्रही नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी को मान्यता देने के लिए तैयार है, लेकिन वहां के कार्रवाई का जो ट्रांसलेशन होगा, जो भाषांतरण होगा, और उस भाषांतरण के बाद जो उसकी छपाई होगी, इस पर जो पूरा खर्चा आएगा, भारत सरकार उसको वहन नहीं करना चाहती। हालांकि मैं अब इस विषय पर अगर मुझे पूछा जाए कि पहले क्या भारतीय न्यायालयों में हिंदी भाषा या संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा, तो मैं कहूंगा कि अगर पैसे की कमी की आप रोना रो रहे हैं तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ साल रहने दीजिए, लेकिन आप न्यायालय में इसको तुरंत शुरू करें।